गोंडा ट्रेन हादसे में आपको बता दें कि दो लोगों की मौत की खबरें ही जैसे ही लोगों को पता चली वैसे ही हड़कंप मच गया। साथ में तमाम जो बचाव और जो राहत कार्य था वो भी जारी रहा लगातार, और हेल्पलाइन नंबर भी लगातार जारी कर दिया गया ताकि किसी तरीके से कोई किसी को दिक्कत ना हो। फिलहाल इस सबको लेकर आपको बता दें कि उच्च स्तरीय जाँच के आदेश हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरी घटना को लेकर फिलहाल संज्ञान में लेते हुए तमाम कारणों को लेकर आपको बता दें कि उच्च कमेटी बना दी गई है और उस पूरे चीज़ों को लेकर आप बता दें कि जल्दी से जल्दी उसके क्या स्थितियाँ रहें, क्यों पूरी जो घटना हुई है किस तरीके से हुई, क्या रहा है उसके पीछे का, कारणों को फिलहाल तलाशती हुई नजर आया। आपको बता दें कि इसे पूरी जो दुर्घटना हुई उसमें साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो बिखर गए थे, लोग अपना सामान जो है समेटते हुए नजर आए। इन सबको लेकर जो घटना हुई निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक उस व्यवस्था को भी संकेत करती है कि जो पटरियां हैं किस तरीके से क्या कमजोर रहीं या क्या स्थिति बनी रही। फिलहाल ये जो घटना की पूरी जांच होगी तभी इस पूरी उसे पर्दा हट पाएगा कि आखिर ये घटना और क्यों और क्या वजह रही।